तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के टॉप 40 वीवीआई वायरल एमसीक्यू प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आप सभी के आज के बोर्ड एग्जाम में आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। तो वीडियो पर आप लोग अंत तक बने रहें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? तो ये फ्रांस ने विरोध किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कहां हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। और कब हुआ? तो याद रखिएगा 1917 में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मिखाइल गोर्बाचेव। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया? तो खुले द्वार की नीति को चीन ने अपनाया था, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी चीन। और कब अपनाया था? तो याद रखिएगा 1978 में, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका आसियान का सदस्य नहीं है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि एशिया का वह कौन सा देश है जो अकेले G8 का सदस्य है? तो एशिया का अकेला देश जो G8 का सदस्य है वो जापान है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जापान। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 24 अक्टूबर 1945। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई? तो ये 1987 में भेजा गया था, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1987। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि शेख मुजब्बिर रहमान किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध मानवाधिकार से है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य है? तो कितने अस्थायी सदस्य है? तो 10 अस्थायी सदस्य। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और अस्थायी सदस्य पूछे तो 5, ठीक है। देखिए कंफ्यूज नहीं करना है, ये जहां पे ये सुरक्षा परिषद के सदस्य वाला क्वेश्चन आ गया ना, तो क्वेश्चन आराम से पढ़ना, खाली यह आपको नहीं दिखेगा ना भैया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अस्थायी पूछे तब 10 और अस्थायी पूछे तब 5, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया? तो भारत का संविधान ये आपका 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1949। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था? तो ये तेलुगु भाषा के आधार पर किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1951 में भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना की? तो ये आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को प्राथमिकता दी गई थी? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि देश के विभाजन के समय न्यास वाली नामक स्थान चर्चा में क्यों था? तो ये सांप्रदायिक दंगों के कारण चर्चा में था, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये पीसी महालनोबिस के द्वारा तैयार किया गया था, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगर पूछे कि पहली पंचवर्षीय योजना ये आपका किस मॉडल पर आधारित था, तो याद रखिएगा पहली पंचवर्षीय योजना ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि देशी रियासतों के शासकों को दिया जाने वाला प्रीवी पर्स किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? तो ये 1971 में समाप्त किया गया था, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1971। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1977 में जनता पार्टी के शासन में
कौन प्रधानमंत्री बना था, तो ये मोरारजी देसाई बना था, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पार्टी का गठन एक महिला नेत्री द्वारा किया गया था, तो ये तृणमूल कांग्रेस जो आपका पश्चिम बंगाल का एक पार्टी है इसके गठन ममता बनर्जी के द्वारा किया गया, यानी कि महिला नेत्री के द्वारा किया गया, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी तृणमूल कांग्रेस। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय राजनीतिक दल को क्षत्रिय संगठन के रूप में जाना जाता है, तो ये कांग्रेस पार्टी को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय उसका अध्यक्ष कौन था, तो उसका अध्यक्ष उस समय निजलिंगप्पा था, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है, तो जो 42वां संविधान संशोधन था इसे लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। और ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1976 में, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। और सिर्फ जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1952 से 1967 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रहा, तो ये कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जब इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो वे किसकी सदस्य थी, तो वे राज्यसभा की सदस्य थी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल की दमनात्मक कार्रवाइयों की जांच करने के लिए निम्न में से कौन सा आयोग गठित किया गया था, तो यह सहाय आयोग गठित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था, तो आम आदमी पार्टी का गठन 2012 में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसकी गठन यानी कि स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, ठीक है, उसने किया था आम आदमी पार्टी की स्थापना गठन, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि डैश रूसी संघ के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो रूसी संघ के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो ये आपका बोरिस एल्तेसिन थे, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बोरिस एल्तेसिन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व राजनीति में संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्चस्व से विश्व राजनीति का स्वरूप डैश हो गया, तो इस राजनीति का स्वरूप कैसा हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्चस्व से, तो ये आपका एक ध्रुवीय हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1957 में यूरोपीय डैश समुदाय की स्थापना हुई थी, तो 1957 में किसका स्थापना हुआ था, तो 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुआ था, इसलिए यहाँ पे आपका आर्थिक होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का कार्यालय डैश में है, तो विश्व व्यापार संगठन का कार्यालय कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका जेनेवा में है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या है, तो अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री डैश ने भारत की नई आर्थिक नीति का निर्धारण 1991 में किया था, तो कौन से प्रधानमंत्री ने 1991 में नई आर्थिक नीति का निर्धारण किया था, तो उस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, ठीक है, और उस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि लिट्टे डैश का एक उग्रवादी संगठन है, तो लिट्टे कहां का उग्रवादी संगठन है, तो याद रखिएगा लिट्टे आपका श्रीलंका का है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सार्क डैश में अस्तित्व में आया, यानी कि सार्क की स्थापना कब हुआ था, तो सार्क की स्थापना 1985 में किया गया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति से डैश को विशेष लाभ पहुंचा, तो हरित क्रांति से किसे ज्यादा लाभ पहुंचा, तो ये आपका कृषि को पहुंचा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1987 में डैश के राष्ट्रपति जयवर्धने ने भारत की शांति संधि पर हस्ताक्षर किया था, तो ये जयवर्धने कहां का राष्ट्रपति था, तो ये श्रीलंका का जो राष्ट्रपति था उन्होंने 1987 में भारत से शांति संधि पर हस्ताक्षर किया था, ठीक है, तो यहां पे श्रीलंका इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से मैंने आप सभी को जो टॉप 40 वीवीआई क्वेश्चन था सारा क्वेश्चन मैंने आप सभी को करवा दिया। अभी कुछ देर के बाद आपका कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड होगा, उसे आप लोग देख लीजिएगा, आप तो यहां पे आपके स्क्रीन में यहां पे दिख रहा होगा उसका फोटो, ठीक है, उस पर क्लिक कीजिए, आप लोग डायरेक्ट वीडियो पे पहुंच जाइएगा, वे वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय झारखंड।